सांसों की जरूरतें हैं जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आसिकी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। आज हम लेक्चर 21 में जानेंगे कि बलयुग में यानी कि कपल होता क्या है। जब दो समांतर बल जिनकी दिशाएं विपरीत तथा समान परिमाण के किसी पिंड पर एक साथ कार्य कर रहे हों और एक जोड़ा का निर्माण कर रहे हों तो उनको हम कहते हैं कपल या बलयुग में। अब हमने जो शुरू में आपको गाना सुनाया है वो गाना कपल में किस तरह से हमने उसको यूज किया है आपको अभी बताएंगे। तो देखिए, पहला हमारा टॉपिक है जो कपल। तो कपल का जैसा कि हमने परिभाषा बता दिया, अब हम बात करेंगे इस फिगर में। इस फिगर में देखिए कि एक पॉइंट यहाँ पे हमने कंसीडर किया जिसका नाम दिया है ए, यानी कि ये पिंड है। यहाँ पे जिस पॉइंट पर ये मान लीजिए जो फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का नाम दिए ए, और इस पॉइंट को जो नाम दिए हैं बी, यानी कि दो फोर्स लग रहे हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। परिभाषा यही कहता है कि जब दो समांतर बल किसी पिंड पर और उनकी दिशाएं मतलब विपरीत हो और एक साथ कार्य कर रहे हो और एक जोड़ा का निर्माण कर रहे हो तो वो कपल कहलाता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जब काम कर रहा है तो मान लीजिए अगर ये पी फोर्स हमारा इस पॉइंट एक कर रहा है तो इसके समान परिमाण के उतना ही फोर्स लगना चाहिए। तो मान लीजिए ये हमारा उतना ही परिमाण के जो हमारा ये जो फोर्स है पी इस पॉइंट पे लग रहा है। अगर ये 5 किलोन्यूटन का है तो ये भी 5 किलोन्यूटन का होना चाहिए। अब इसमें हमारा गाना क्या ट्रिक करेगा, क्या ट्रिक का काम करेगा, जैसे सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए उसी तरह से कपल के लिए दो बल का आवश्यक होना है, यानी कि दो बलों की जरूरत आवश्यक है। अब हम दोनों बलों की जो हमारे जरूरत है इनमें जो कपल होता है इनमें डिस्टेंस होना भी बहुत जरूरी होता है, यानी कपल बनने के लिए उनके बीच में हमारा डिस्टेंस भी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये हमारा इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस नहीं रहेगा तो कपल हमारा जो फोर्स रहेगा वो मतलब एक्ट नहीं कर पाएगा, वो बन नहीं पाएगा। अब हम बात करेंगे आर्म ऑफ कपल, यानी कि हमारे बलयुग की भुजा। बलयुग की भुजा क्या कहलाती है कि जो दो बल लगते हैं, यानी किसी पिंड पर जो दो बल लगते हैं उन दोनों बलों के बीच में जो उनकी डिस्टेंस होती है वही हमारी कहलाती है आर्म ऑफ कपल। देखिए, इस पिंड पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है और इन्हें दोनों मतलब जो हमारे बल है इनके जो दोनों बलों के बीच के जो यही डिस्टेंस हमारी है जो लाइन, इसी को कहते हैं आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल यानी कि बलयुग्म की भुजा। अब हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ कपल। तो पहले हम जान लें कि कपल का यूज कहाँ होता है। कपल का यूज अनेक जगहों पे होता है, जैसे जब हम किसी बोतल का जब कैप खोलते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, कपल फोर्स लगाते हैं, बलयुग में लगाते हैं। इसी तरह से जब डमरू जब बजाते हैं तो वहां पे भी हमारा क्या होता है, कपल फोर्स लगता है उनके रस्सियों के जो डोरियां होती है। उसी तरह से जब हम किसी कपड़े को सुखाना होता है तो जब उनको पानी से जब निकालते हैं कपड़े से तो वहां पे भी क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगा करके कपड़े से पानी निकालते हैं। इसी तरह से अब बात करेंगे यूनिट्स ऑफ कपल, यानी कि हमारा क्या होता है कपल की इकाई। कपल की इकाई क्या होंगे, एक हमारा होता है ग्राम सेंटीमीटर। ये क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर। एक हमारा होता है किलोग्राम सेंटीमीटर और एक हमारा होता है किलोग्राम, यहां पे किलोग्राम मीटर, और एक हमारा होता है न्यूटन मीटर। कौन कौन से हो गए यूनिट इसके, एक ग्राम सेंटीमीटर, एक किलोग्राम सेंटीमीटर, एक किलोग्राम मीटर हो गया, एक न्यूटन मीटर। ये हमारे क्या हो गए, यूनिट्स हो गए कपल के। अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ ए कपल। तो आप लोगों के पिछले लेक्चर में हमने मोमेंट के बहुत अच्छे से डिफिनेशन और मोमेंट निकालने का तरीका आपको बताया था, तो उसी तरह से ठीक इसमें भी हम क्या करेंगे, मोमेंट निकालते हैं। तो इसमें मोमेंट हम कपल यानी कि जो बलयुग में उनका निकालते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पे, अगर इस पॉइंट पर हम कंसीडर करें इस फोर्स का, तो इस पॉइंट के पर तक अगर इस फोर्स का हम क्या करें,
मोमेंट निकालें तो क्या करते हैं, मोमेंट को वहां पे क्या करते थे, यम से कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहां पे जो हमारा कपल का मोमेंट होगा उसे टी से प्रदर्शित करेंगे। टी को हम टार्क भी कहते हैं और हिंदी में आघूर्ण। तो टी बराबर यहां पे हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, यानी कि पी, अब इनटू इनके वहां पे उनके बीच के जो हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस थे वहां पे लिया जाता था। तो यहां पे भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इनकी एक नाम है, क्या नाम है, आर्म ऑफ कपल, यानी कि बलयुग्म में की भुजा। तो यहां पे लिखेंगे टी बराबर बल गुणे आर्म ऑफ कपल, यानी कि जो हमारा मोमेंट ऑफ ए कपल का होगा वो होगा बल गुणे बलयुग्म की भुजा, यही हमारी कहलाती है मोमेंट ऑफ ए कपल। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन एंड साइन ऑफ ए कपल, यानी कि जो बलयुग्म होते हैं उनके डायरेक्शन या क्या होते हैं दिशा, फिर उनकी साइन क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे देखिए ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस फील्ड पर एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है और ये क्या कर रहा है, फील्ड को घुमाने का प्रयास कर रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कपल हमारे किसी ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे तो उसकी जब दिशा की बात करेंगे तो उसकी दिशा में किसमें लेते हैं, प्लस में लेते हैं, प्लस में इसको हम लेते हैं। अगर कोई पिंड है और इस पिंड पर अगर हमारा फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे ठीक, और ये क्या कर रहा है, कपल इस पिंड को घड़ी की दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो इसको हम जब इसकी दिशा की बात करेंगे तो इसकी हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे, यानी कि ऋणात्मक। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वहां पे हम प्लस लेंगे और जो हमारा क्लॉक होगा वो माइनस में लेंगे। अब हम बात करेंगे रिजल्टेंट फोर्सेज ऑफ ए कपल, यानी कि बलयुग्म के बलों के परिणामी। ये क्या होता है, इस फिगर में आप देखिए थोड़ा, ये हमारी एक मान लीजिए कोई हमारी रॉड है जिसका हम यहाँ पे देखिए ओएल नाम दिए हैं, ये कोई हमारी रॉड है। यहाँ पे क्या है कि दो मतलब विपरीत दिशाओं में और समांतर क्या हो रहे हैं कि फोर्स बल लग रहे हैं। एक हमारा देखिए इस पॉइंट पे अल्फा एंगल से क्या हो रहा है, ये यह फोर्स लग रहा है और समान परिमाण के हैं, और इधर भी क्या लग रहा है, यह बल हमारा एक्ट कर रहा है, कितना, अल्फा एंगल पे। यानी कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर अल्फा एंगल पे लग रहा है तो इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तब जाके ये क्या होगा कि ये हमारा पिंड हमारा क्या होगा, घूमने यानी कि घुमाव गति उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इस पॉइंट पे हम ये जो बीच वाला मिडिल है इसको हम क्या किए हैं, सी मान लिए हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जब रिजल्टेंट इसका निकालेंगे जो हमारे कपल है तो वहां पे क्या करते हैं, जितने हमारे वर्टिकल और जितने हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेज होते हैं उनके बीच गुणती योग के हम क्या करते हैं, निकाल करके रिजल्टेंट का फॉर्मूले में रखते हैं तो रिजल्टेंट हमारा निकल जाता है। कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम बल जो हम बलों के डिवीजन के नियम में आपको बताया था कि अगर कोई फोर्स मान लीजिए ये जो हमारा फोर्स है आर है और ये बीएस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ थीटा एंगल बनाता उसे हम लिखते हैं आर कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं बनाता उसे हम लिखते हैं आर साइन थीटा, बस कास की जगह साइन। इसी तरह से देखिए ये अल्फा क्या आ रहा है, इनके साथ बना रहा है, ये जो एफ बल इनके साथ अल्फा एंगल पे एक्ट कर रहा है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या इसको केवल एफ कास अल्फा। इसी तरह से देखिए इसके साथ तो नहीं बना रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, लिख देना है कास की जगह साइन, एफ साइन अल्फा। अब हम बात करें इसकी, तो इसमें देखिए इसमें हमारा अल्फा किसके साथ बना रहा है, इसके, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि यफ कास अल्फा, और बात करें इसका इसके साथ तो नहीं अल्फा बना रहा था, जिसके साथ नहीं बना रहा उसके साइन, तो यफ साइन अल्फा हो जाएगा। अब हम जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट का एक हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जितने फोर्स लग रहे हैं उनको निकालेंगे, तब जाकर के उस इक्वेशन में उसका मान रखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, समीशन हॉरिजॉन्टल जितने फोर्स लग रहे हैं, जितने हमारे हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स लग रहे हैं उनको क्या करेंगे, पहले बीजगणित की योग करेंगे। तो यहां पे देखिए ये हमारा क्या लग रहा है, एफ कास अल्फा, इसी लाइन पे हॉरिजॉन्टल लग रहा है, यहां पर लिख देंगे एफ कास अल्फा,
अब बात करें तो ये तो हमारा किस साइड में है, ये हमारा इधर साइड में लग रहा था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये देखिए हमारा इसी एक्सिस पे कितना लग रहा है, यफ कॉस अल्फा। तो जब आप अपोजिट लग रहा था इसको क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे, लिखेंगे यफ कॉस अल्फा। दो बल हमारे एक्स एक्सिस पे लग रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यफ कॉस अल्फा और माइनस यफ कॉस अल्फा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि हमने जब समीशन किया हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सों का तो उसका कितना आया, जीरो। इसी तरह से हम बात करेंगे वर्टिकल की, तो वर्टिकल वाले पे देखिए एक हमारा क्या लग रहा है, ये एफ साइन अल्फा, ये नीचे की तरफ लग रहा है, यहां पे लिख देंगे एफ साइन अल्फा, ठीक, ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है ये वाला, देखिए यहां पे, तो यहां पे हम लिख देंगे एफ साइन माइनस के साथ साइन अल्फा, ये भी देखिए एफ साइन अल्फा और माइनस एफ साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो समीशन वर्टिकल वाले फोर्स आएंगे जीरो आएंगे। अब हम इसका अगर रिजल्टेंट की बात करें तो जो हमारा रिजल्टेंट का इक्वेशन होता है वो होता है हमारा समीशन, यहां पे देखिए समीशन आर इक्वल अंडर रूट, यहां पे समीशन हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, जितने हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स लग रहे हैं, प्लस समीशन वर्टिकल का स्क्वायर। तो यहां पे क्या करेंगे, बस मान रखेंगे, तो देखिए हमारे जो हमारे हॉरिजॉन्टल वाले आए थे वो जीरो आया था, यानी कि जीरो का स्क्वायर, इसी तरह से प्लस हमारे वर्टिकल वाले कितने हैं, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर, और जब जीरो का स्क्वायर जीरो जोड़ेंगे तो ये अंडर रूट में, अगर ये जीरो का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, सब जीरो है तो जीरो हो जाएगा, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, जीरो। यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारे कपल होते हैं तो उन कपल का जो हमारा रिजल्टेंट, हमारा जो आएगा रिजल्टेंट यानी कि परिणामी, वो क्या होगा, शून्य होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि अगर कोई बल, यानी कि जब कपल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में अगर शून्य होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में उनका बीजगणितीय अगर शून्य होता है तो उनका परिणामी भी हमारा शून्य होगा। अब हम बात करेंगे रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्सेज ऑफ ए कपल, यानी कि जो हमारे बल बलयुग में होते हैं उन फोर्सों के परिणामी निकालेंगे, परिणामी अकुल हो गया। आइए अब हम जानते हैं कि रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्सेज ऑफ ए कपल, यानी कि बलयुग में के बलों के परिणामी घूर्ण, यानी कि अब इनमें देखिए जो हमारे जितने बल एक्ट कर रहे हैं, एक देखिए एफ वन, ये फोर्स जो हमारा एक्ट कर रहा है, और एक हमारा यहाँ पे एफ वन, सॉरी एफ, ये भी हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो देखिए दोनों बल क्या करेंगे, स्पिन को घुमाने के लिए उसके सेंटर पे जो सी दिया है, ये सी पॉइंट पे क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन बलों का क्या करेंगे, परिणामी घूर्ण निकालेंगे। अगर हम बात करें इस पॉइंट ए पर, अगर इस पॉइंट ए पर अगर हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, तो लिखेंगे बिंदु ए पर आघूर्ण लेने पर, तो होगा यहां पे परिणामी, परिणामी आघूर्ण बराबर यहां पे देखिए पी पर, तो यहां पे ए पे सॉरी यहाँ पे ये जो फोर्स हमारा यफ साइन अल्फा है, देखिए ये फोर्स हमारा यफ साइन अल्फा, ये यफ साइन अल्फा लग रहा है, और इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जब हम किसी पॉइंट का प्रथम मोमेंट लेते हैं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये यफ साइन अल्फा है, और इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये भी है, तो यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं यफ साइन अल्फा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी। इसी तरह से अगर हम बात करें बिंदु बिंदु सी पर आघूर्ण लेने पर, जब बिंदु सी पर आघूर्ण लेंगे इस पॉइंट पर, इस फोर्स का और इस फोर्स दोनों को फोर्स को इस पॉइंट के ऊपर तो आघूर्ण निकालेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे परिणामी, परिणामी आघूर्ण बराबर बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कर रहे हैं, यफ साइन अल्फा को हम इस पॉइंट के पर तक मोमेंट ले रहे हैं सी के पर तक, तो यह जब यफ साइन का हम क्या करेंगे, अल्फा का जब मोमेंट लेंगे तो यफ साइन अल्फा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी, आप लिख सकते हैं क्या, यफ साइन अल्फा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी। इसी तरह से देखिए ये जो हमारा यफ साइन अल्फा है इसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, लग रहा है,
यहाँ पर, यानी कि ये जो पॉइंट पर यहाँ पे लग रहा है और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस एफ साइन अल्फा, ये कितना है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बीसी, यहाँ पे लिख देंगे बीसी। अब हम क्या करेंगे, दोनों में साइन अल्फा कॉमन है, एफ साइन अल्फा, तो यहाँ पे एफ साइन अल्फा को कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे, एसी प्लस बीसी बराबर में लिख सकते हैं कि एफ साइन अल्फा। अब देखिए एसी प्लस बीसी यानी कि एसी और प्लस बीसी, अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या ए बी के बराबर नहीं आ जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं ए बी। अब देखिए अगर पॉइंट ए के परतल में जो परिणामी गुण निकाला एफ साइन अल्फा ए बी आया, उसी तरह से पॉइंट सी पर भी निकाला मूवमेंट दोनों बलों का, तो एफ साइन इंटू ए बी आया, एफ साइन अल्फा इंटू ए बी। अगर इसी तरह से अगर हम वो पॉइंट पे भी अगर निकालें मोमेंट, तो उनका जो मोमेंट आएगा वो भी यही आएगा, एफ साइन अल्फा इंटू ए बी, आप करके देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो परिणामी गुण होता है, जो परिणामी गुण होता है वो बलयुग्म में के अधूर्ण के बराबर होता है, कैसे, परिणामी गुण तो यही तो है हमारा। अब बलयुग्म में के अधूर्ण अगर किसी भी बल को कंसीडर करें, चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, तो मान लीजिए अगर हम इस बल को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर अगर हम कंसीडर करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जिसका नाम हम पॉइंट पे दिए हैं यंग, अगर यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं तो एफ हमारा और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ए यंग, इसी के बराबर हमारा क्या हो जाएगा एफ साइन अल्फा इंटू ए बी, ये है परिणामी अघूर्ण। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे परिणामी परिणामी अघूर्ण या गुण इक्वल बलयुग्म बलयुग्म के अघूर्ण, यानी कि जो हमारा परिणामी अघूर्ण होगा बलयुग्म के अघूर्ण के बराबर होगा। तो परिणामी अघूर्ण यानी कि क्या है, एफ साइन अल्फा इंटू ए बी, एफ साइन अल्फा इंटू ए बी। अब बलयुग्म के अघूर्ण, जब इस बल का हम एनालिसिस कर रहे हैं तो एफ और ए इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एफ इंटू क्या हो जाएगा ए एन। तो देखिए यह जो हमारा एफ है, अगर इस फोर्स का एनालिसिस कर रहे हैं चाहे तो इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, इसका अगर एनालिसिस कर रहे हैं पॉइंट एन के परितः, तो जो हम मोमेंट लेंगे एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमने लिखा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, परिणामी जो अघूर्ण होता है बलयुग्म के अघूर्ण के बराबर होता है। और आइए अब हम जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए कपल, यानी कि बलयुग्म के क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला हमारा होता है विशेषताएं, बलयुग्म का निर्माण एक बल से नहीं होता, यानी कि जो हमारे कपल फोर्स होते हैं वो एक फोर्स से नहीं बनते, उनमें दो फोर्स को होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा कहता है बलयुग्म सदिश राशि होता है, चाहे सदिश राशि है, क्योंकि उसमें हमने दिशा के साथ साथ उसका परिमाण भी हमने जाना था, और दिशा के साथ साथ जहां परिमाण का जिक्र होता है वो कोई भी राशि हमारी सदिश राशि कहलाती है। ठीक, तो यह हमारा क्या है बलयुग्म एक प्रकार का सदिश राशि है। अब बात करते हैं एक बलयुग्म कभी भी सरल रेखीय गति उत्पन्न नहीं करते, यानी कि जो हमारा बलयुग्म है वो कभी भी सरल रेखीय मोशन नहीं कराएगा पिंड का। ठीक, अब हम बात करेंगे बलयुग्म का अघूर्ण हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि जो हमारे जो दो हमारे जो फोर्स एक्ट कर रहे थे जो कपल फोर्स, उनके जो बीच में जो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है चाहे उनके बीच की जो दूरी होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, यानी कि वो अगर उनका फोर्स का अगर गणना किया जाए उन बीच की दूरी उनके बीच की दूरियों पे, तो उनका जो हमारा अघूर्ण होगा सेम होगा। अब हम बात करें पांचवें, यानी कि बलयुग्म की प्रवृत्ति हमेशा घूर्णनगत करने की होती है, यानी कि जो हमारे कपल होते हैं किसी भी पिंड को हमेशा सरल एक ही मोशन न करा करके उनको घूर्णन गति में कराने का प्रवृत्ति रखते हैं। अब हम बात करेंगे छठवां कहता है कि बलयुग्म के बलों का हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल बीजगणितीय योग शून्य होता है, जैसा कि हमने आपको निकाला था जो हमारा रिजल्टेंट मोमेंट कपल का निकाला था, तो उसमें हम क्या कहते हैं जितने हॉरिजॉन्टल थे और जितने वर्टिकल थे जब उनको हम बीजगणितीय योग निकालते थे उन बलों का, तो क्या होता था शून्य होता, तो बस वो यही वो कह रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा जाता है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।